ये टीम फिलहाल थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। पिछले दो हफ्तों में इस टीम से दो जोड़ियों को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा है, लेकिन इस टीम के पास ना तो हुनर की कमी है और ना ही हौसले की। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लक्स डीआईडी डबल्स की दूसरी टीम राजीव के रॉकर्स। तो चलिए लगे हाथों ये भी देख लेते हैं कि राजीव के रॉकर्स का ये हफ्ता किस जज्बे के साथ बीता। मेरी टीम को तो मैं जितना प्रोत्साहित करूंगा उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई ना कोई वीक में तो जाना ही है, तो ये थोड़ी गलत चीज हो गई कि मेरे बैक टू बैक है। दैट्स ओके, आज नहीं तो कल भी किसके बैक टू बैक जाएंगे। उनको सिर्फ क्या करना है, उनको आगे बढ़ना है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। और अभी तो ऐसे कि दो ही कपल बचे हमारे टीम में, तो हमें तो हर हफ्ते डांस की कसौटी पे जाना है। कुछ भी हो जाए, जितनी भी परफॉर्मेंस आपको करनी है आपको फुल ऑन करनी है। अभी हम अपना 100% स्टेज पर देंगे। गुरु भैया आप टेंशन मत लो, इस हफ्ते हमारी जो परफॉर्मेंसेज होंगी दोनों कपल्स की बिल्कुल फुल टू फटाक होंगी और ग्रैंड सैल्यूट दोनों कपल्स को जरूर मिलेगा। वासिस, राजीव के रॉकर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं वो देख रही हूँ जो मैं अपने टीम में देखती हूँ। किसी से रिश्ता जोड़ लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे कि आप अगर जाएंगे डांस की कसौटी में तो वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने नॉमिनेट तो दो को करना ही है। और आई वुड जस्ट से ये परफॉर्मेंस के बारे में कि ऐसा लगता है कि आप प्रूव करना चाहते हो कि आप हो अपने गुरु भैया के लिए। आई वांट टू विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, डू हिम प्राउड। राजीव क्या गाना लिया है? नो, इट्स अ वेरी नाइस चॉइस ऑफ सॉन्ग, सेइंग हम चार पागल हैं और हम पागलों जैसी हरकत करके ही रहेंगे, और आपके डांस में दिख रहा है that passion, that power, that energy to come back, okay, we are not going to give up so easily. So keep it up. I think you all are doing a great, great, great job, guys. Phenomenal energy. Please keep it up. Boss, kya hai abhi? Do jan to baki hai yaar. Phaad dalo, aur kya bolu main? Okay? Ekdam superb karo, puri energy ke saath mein, pura rap! thank you, Master Rajiv. ग्रैंड मास्टर, ये गुरु भैया क्या, मैं समझा नहीं। सर जब सर हमको सिखाते हैं रिहर्सल हॉल पे तो वो हमारे गुरु होते हैं, और रिहर्सल हॉल के बाद वो भैया जैसे बन जाते हैं, फ्रेंड। मतलब टू इन वन।
हाँ वही मैं भी बोलता शॉर्ट एंड स्वीट, टू इन वन इज वेरी टू. अब कहने के लिए क्या है, योर टू गिव योर बेस्ट, छोड़ना नहीं, एक इंच भी नहीं छोड़ना. ओके थैंक यू.